दोस्तों जोहार, अभी मैं रांची में राजभवन के सामने आया हूं और यहां पर राजभवन के करीब में भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में इनके नेतृत्व में पूरे झारखंड से सहियाओं की द्वारा एक भारी आंदोलन किया जा रहा है। यहां धरना प्रदर्शन किया गया है और इस धरना प्रदर्शन में झारखंड के प्रदेश से हजारों सहियाओं आंगनबाड़ी केंद्र के जो महिलाएं हैं, जो सहिया का काम करते हैं, ये लोग अपनी जो परेशानी है, क्या परेशानी है ये लोग खुद बताएंगे। इन लोग आज यहां धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या परेशानी है आज मैं जानना चाहूँगा। देखिए हजारों यहाँ राजभवन के करीब में यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ, क्या, किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग का मानदेय का चलते हैं। मानदेय? क्या मानदेय? सहिया मानदेय का। क्या आप लोग का क्या मानदेय पूरा नहीं हो रहा है? क्या मानदेय था या अभी नहीं हो रहा है? हम लोग को 18,000 चाहिए, 2,000 में दम नहीं है, 18 से कम नहीं चाहिए। 2,000 भी मिलता है, नकल काट के भी मिलता है 2,000 पूरा। अभी आप लोग कितना महीना में 2,000 मिलता है? 2,000 मिलता है, वो भी परेशान हमरा से मिलता है। अच्छा, उसके बाद उसके में भी काट जाता है, हम लोग 2,000 पूरा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग के मांग। कितना मिलता है आप लोग का अभी? 2,000 मिलता है। तो ये हर महीना मिलता है? नहीं मिलता है हर महीना। कब से आप लोग को नहीं मिला है? मतलब मिलता है 2-3 महीना के बाद डाल देता है। अभी इस महीना मिला आप लोग को? इस महीना नहीं मिला है। कब से आप लोगों को नहीं मिला पैसा और या कब से आप लोग का डिमांड है? हम लोग का डिमांड मतलब 2-3 महीना होता है, उसके बाद है डाल। लास्ट पैसा आप लोगों को कब मिला था? कब मिला था? हम लोगों को मानदेय ना हमेशा नहीं डलाता है, मतलब 6-7 महीना ऐसे। तो कौन सा महीना में मिला था वही तो पूछ रहे हैं। 2017-18 में से तो 2,000 लागू किया है, प्रोत्साहन में रखा है, फिर 5,000 बढ़ाने का प्रोत्साहन करके फिर हम लोग को अथी में रखा गया है। मतलब 2023 में आप लोग को पैसा कब मिला था? 2023 में मानदेय पैसा हम लोग का मतलब अक्टूबर नवम्बर में 2-3 महीना गैप करके मिलता है, वो भी हाँ वो भी ढंग से नहीं मिलता है। 2,000 18,000 रुपया हम लोग को चाहिए, मजदूरी के तौर में भी हम लोग को तो चाहिए, है ना। जिनके तो लगातार पैसा आप लोग को नहीं मिलता है, केवल पैसा का बात है या और कोई कारण है? नहीं नहीं, हम लोग को पैसा चाहिए, वेतन चाहिए, दिन रात हम लोग खड़ा रहते हैं, रात हो त्योहार हो घर में कोई भी परेशानी जब हम लोग को सही बड़ी मांगा जाता है हॉस्पिटल का, तो हम लोग को बड़ी सुविधा देना चाहिए, है ना। आगे आगे हम लोग को चाहिए, मानते भी चाहिए, जब हम लोग खड़ा रहते हैं तो हम आते हैं तो हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग को मानते चाहिए। आप लोग तो इसके पहले भी बहुत बार आप लोग आंदोलन पर सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए सरकार को हम लोग को चाहिए, बस बोलने से नहीं, हम लोग को चाहिए। मंच पे आएंगे। इसके पहले आप लोग रघुवर दास के समय भी आंदोलन किए थे और आज 4 साल बीत गया है, लेकिन अभी भी जो अपना हेमंत सोरेन ये भी नहीं सुन रहे। सिर्फ सरकार से, सरकार से शिकायत है, सरकार देंगे तब तो हम लोग देंगे, सिर्फ सरकार से हम लोग को पैसा चाहिए, जो कि हम लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल चाहिए। हम किसान है, खेती लगाते हैं, हम लोग फल तो काटना चाहते हैं ना, इसी तरह दिन रात हम लोग खड़ा रहते हैं तो हम लोग को मानदेय चाहिए, जिस तरह हम लोग काम करते हैं हम लोग को मानदेय चाहिए, बस। आप लोग कहाँ से है? हम लोग लोहरदगा जिला है। तो जैसे कि आपको बताया कि ये लोग पूरे झारखंड से आए हैं, इन लोगों को आज तक पिछले रघुवर दास सरकार में भी इन लोगों को मानदेय देने की मांग की गई थी और काफी धरना प्रदर्शन हुआ था, उसे काफी लाठीचार्ज की गई थी। और आज हेमंत सोरेन सरकार करीब 4 साल बीत गए, 4 साल बीत जाने के बाद भी इनको आज इनके जो मानदेय है उनको पूरा नहीं किया गया है और सरकार के द्वारा इनको केवल और केवल एक आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। इसी के कारण धरना प्रदर्शन आज हजारों की संख्या में ये महिलाएं सहिया आंदोलन कर रहे हैं और देखते हैं सरकार ये आंदोलन कैसा होता है। अब तक न्यूज, जय झारखंड, जोहार झारखंड।